मैंदीगढ़ विधायक रावतान सिंह ने कनीना अनाज मंडी का दौरा कर खरीद कार्यों का लिया जायजा। कहा सरकार ने किसानों को पोर्टल पर पोर्टल खोलकर उलझा रखा, सीधा मुआवजा दे सरकार। महेंद्रगढ़ विधायक रावधान सिंह ने गुरुवार को कनीना अनाज मंडी का दौरा कर खरीद कार्यों का जायजा लिया एवं आढ़तियों एवं किसानों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ तो भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल नुकसान बात हो गई है एवं दूसरी तरफ सरकार ने मुआवजे के नाम पर किसानों को पोर्टल पर पोर्टल खोल कर उलझा रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को खराब हुई फसल का सीधे तौर पर मुआवजा देना चाहिए, जिसके साथ उन्होंने मंडी में आने वाले किसानों की फसल खरीदने की मांग की। रावदान सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा 15,000 का जो मुआवजा देने की घोषणा की है वह बहुत कम है, इससे किसान की लागत भी पूरी नहीं होगी। सरकार को बिना भेदभाव के सभी किसानों को मुआवजा देना चाहिए, किसी भी किसान को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इससे पूर्व कनीना अनाज मंडी में पहुंचने पर रावदान सिंह का मंडी व्यापारियों द्वारा पगड़ी एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। हाँ जी, फसल खरीद का कार्य चल रहा है, कनीना में किस प्रकार की स्थिति है? कनीना में बहुत बढ़िया स्थिति में फसल खरीदी जा रही है। जो भी जमींदार यहाँ फसल लेके आता है उसको बिल्कुल संतुष्ट करके भेजा जाता है, जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उसके अंडर में ही फसल ली जाती है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सभी सरकारी विभाग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं अनाज मंडी के व्यापार मंडल से संबंध रखता हूँ, मुकेश गुप्ता वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही। जैसे अब बारिश हुई थी तो फसल में कुछ जैसे खराबी हुई थी तो उसका कोई इफेक्ट यहाँ देखने को मिला ज़्यादा? बारिश से फसल में बहुत ज़्यादा खराबी हो गई थी, दाना पतला रह गया था और सुकड़ गया था और उसका कलर फेड हो गया था। गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 60% कलर फेड को नहीं देखा जाए, वो या बिना देखे हुए उस दाने को लिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उसी के अनुसार खरीद हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो सरकार की जो खरीद पॉलिसी है उससे व्यापारी वर्ग खुश है? उससे व्यापारी वर्ग भी खुश है, जमींदार भी खुश है, सरकार की जो पॉलिसी है उससे हम सब संतुष्ट हैं जी, किसी प्रकार की कोई। थैंक यू। हाँ जी, कनीना अनाज मंडी के अंदर फसल खरीद का कार्य चल रहा है तो किस प्रकार का चल रहा है और व्यापारी वर्ग जो है सरकार की इस खरीद प्रणाली से संतुष्ट? कनीना मंडी में गेहूं की फसल पुरानी मंडी में खरीदी जा रही है और सरसों की फसल नई मंडी बनी है उसमें खरीदी जा रही है। गेहूं की फसल आढ़तियों द्वारा खरीदी जा रही है और सरसों एफर्ट खुद खरीद रही है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीद रही है जी। गेहूँ की फसल यहाँ पे किसी साल से बहुत कम आ रही है, 2 साल हो गए गेहूँ की फसल कम आती है, कुछ तो फसल खराब होगी, जमींदार को भारी नुकसान है, इससे व्यापारी को नुकसान है। मुश्किल से यहाँ पर 50,000-60,000 कट्टे गेहूँ आएगा जो जिस मंडी में 4,00,000-5,00,000 कट्टे आते हैं। तो सरकार की तरफ से जो खरीद एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है, व्यापारियों कोई दिक्कत है इसको लेकर के? जो भी एजेंसी है, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस एजेंसी है, वो पूरा सहयोग कर रही है, कोई भी देरी जो रिजेक्ट नहीं करते, ज़्यादातर डेयरी पास है, यहाँ की क्वालिटी फिर भी ठीक है। और जो है सही बात व्यापारी की जी, व्यापारी को नुकसान है, गवर्नमेंट व्यापारी को पूरी आदत नहीं देगी। कितनी आदत? 2.5% आदत होनी चाहिए, उसमें 46 रुपये क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट दे रही है। तो क्या मांग क्या है? मांग यही है, हमें व्यापारी की मांग यही है कि आदत पूरी जाए और हमारा जैसे कि व्यापार भी चले, और जैसे कि ज़्यादा फसल आती तो चलो हम भी सहन कर लेते, अब थोड़ी फसल आएगी इसमें पूरी अड़ देनी चाहिए।